नमस्ते डॉक्टर चाचा, कैसे हैं आप? नमस्ते मीना, मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। तुम कैसी हो? डॉक्टर चाचा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर चाचा, मेरे पास वैक्सीन से जुड़े कुछ सवाल हैं। मुझे पता नहीं उनके जवाब कैसे दिए जाएं, इसलिए मैंने उन्हें लिख लिया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, आगे बढ़ो और सवाल पूछो। तुम्हें पता है मुझे हमेशा तुम्हारी मदद करके खुशी होती है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल है, क्या उन लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए अगर उन्हें कोई और बीमारी भी है? बिल्कुल लेना चाहिए, बल्कि जिन लोगों को पुरानी बीमारी है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। उन्हें कोरोना से शदीद बीमार होने और मरने का ज्यादा खतरा है, वैक्सीन लेना उनकी हिफाजत करेगी। डॉक्टर चाचा, उस सूरत हाल में क्या जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है? वो लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड की परेशानी या हल्की एलर्जी है, या यहाँ तक के कैंसर या HIV या दिमागी बीमारी या जिस्मानी माजूरी भी है, ये तमाम लोग वैक्सीन ले सकते हैं। अगर कोई शदीद बीमार है और अस्पताल में भर्ती है तो उन्हें अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करना चाहिए और फिर वैक्सीन लेना चाहिए। वो वैक्सीन ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको सर्दी बुखार या गले में खराश है तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। मुमकिन है कि आपको कोरोना हो सकता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 3 महीने इंतजार करना चाहिए और फिर ठीक होने के बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। समझ गई। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर चाचा। अब मैं वैक्सीन से जुड़े हुए सवालों का आसानी से जवाब दे सकती हूँ। मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपके पास और सवाल हैं, तो आपको पता है कि आप मुझसे कैसे रابطہ कर सकती हैं। हाँ, ठीक इसी खूबसूरत आम के पेड़ के नीचे। हाँ, बिल्कुल।